तो हेलो दोस्तों, वेलकम है कोरोनी वीडियो में। मैं रिंदल लोकोपैट आपका अपने यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आज एक अहम टॉपिक लेके आने वाला हूं, क्योंकि बहुत दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे, मुझे मैसेज भी कर रहे थे, सर रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में बताओ, हम आपके उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं, हम ऑनलाइन की टीचिंग ले रखे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास ले रखे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए, पर रेलवे की नई वैकेंसी का आने का कोई ब्यूरो नहीं है। दो दिन से मुझे मैसेज भी कर रहे थे, एक था लड़का है वो है सुधांशु जो कि झारखंड से है, उसने मैसेज करके बोला कि सर मैंने रेलवे से अप्रेंटिस किया, तो क्या अप्रेंटिस वाले के लिए भर्ती निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी क्या, अप्रेंटिस वाले कुछ छात्र हो गए नहीं हो, क्योंकि उनके भी पैसे मार रखे अप्रेंटिस वाले के नाम के। शायद मेरे को उसने मैसेज भी किया था, मैं आपको पढ़ा देता हूँ मैसेज में क्या लिखा है। ये सुधांशु है, आप शायद पढ़ सकते हो शायद क्या लिखा, सर पढ़िए। ये अप्रेंटिस वाला छात्र है, इसने अप्रेंटिस करी है 2021 वाले 21-22 से, ये पता नहीं 20-21 से। इसने लिखा है सर चेन्नई अन्ना मलाई की जो नेता है वह अप्रेंटिस बच्चों को अंधकार में रखा है, चेन्नई की बात कर रही है, और झांसा दे रहे हैं। उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि यह बच्चों को गुमराह करने के लिए रखा जाए इलेक्शन तक, इसलिए मैं अपने सभी अप्रेंटिस के लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर चंदन भैया, राकेश जी, भारत की आशीष जी, आप सभी मिलकर जल्द से जल्द एक रणनीति तैयार करें, अब बच्चों से कष्ट नहीं हो पा रहा है, बच्चों को कष्ट समझो, क्या करें, अप्रेंटिस वाले छात्रों से 7700 रुपये में काम लिया जा रहा है, और 7700 रुपये में भी 1500 रुपये उनके देने के 2 महीने के 3 महीने के, तो कृपया आप हमारी बातों को समझें और इस बात का धन्यवाद आगे आप फॉरवर्ड करें, जिससे हमारी बात का सोल्यूशन हो सके और जो हमारे पैसे रुके वो पैसे दिए जाए। ये पैसे की बात में क्या कर रहे हैं गाइस, जो अप्रेंटिस के छात्र होते हैं ना, देखिए कोई अप्रेंटिस का जाएगा 18 साल से ऊपर जाएगा, उसको सारा ज्ञान होता है। अप्रेंटिस की कितनी होती है सैलरी, 7700 रुपये, ठीक है। कोई अगर परमानेंट भर्ती होगा यहाँ पे कितने लेगा वो, कम से कम 19000 से उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, करते करते कितने पूछ देगा वो, 23000 के आसपास पूछ देगा वो, 23000 सैलरी लेगा। अब वो कहाँ 23000 और कहाँ 7700, फर्क है ना। यहाँ पे 3 बंदे लग जाएंगे इसमें, 8 8 16 8 24, यानी 3 बच्चे 24000 में लग जाएंगे। काम तो नहीं ले रहा है, रेलवे का काम चल रहा है, रेलवे तो कोई वो नहीं हो रही है, घाटे में जा रही है, रेलवे काम तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना। अब क्या मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले टाइम इलेक्शन था 2019 में, तो 2018 में वैकेंसी निकली थी, कितनी निकली थी 35000, किसकी निकली थी, NTPC की, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें गार्ड होते हैं, मतलब स्टेशन मास्टर होते हैं, कमर्शियल टिकट कलेक्टर होते हैं, TT होते हैं, तो सारी किस्म से NTPC होते हैं। अब एक बात कहो, 2018-19 के बाद लगा लो, 19 से लेकर 23 साल आगे 24 आने वाले, यानी कि 5 साल होने वाले हैं, 5 साल में भी क्या प्रमोशन नहीं किया कोई, जो गुड्स गार्ड वाला हो आगे गुड्स गार्ड सीनियर में बन गया हो गुड्स गार्ड, या फिर अपना कोई टिकट कलेक्टर वो सीनियर TTI बन गया हो, मतलब प्रमोशन तो हुई होगी ना, और स्टेशन मास्टर सीनियर स्टेशन मास्टर बन गया होगा, तो क्या इसमें प्रमोशन नहीं होगी। तो ये तो भर्ती तो 35000 थे, ये तो आगे बढ़ गया। अब ये बात करूँ अप्रेंटिस वाले की, तो अप्रेंटिस की बात करूँ मैं, अप्रेंटिस की जो रेलवे मात्र 1 साल के लिए आते हैं, पर काम उनसे उतना ही ले देते हैं जितना सरकारी वाला बंदा काम करेगा, वो कोई उससे उसकी ट्रेड के तो उसको काम सिखाया जाता है। जो मेरा यार दोस्त है ना, वो कारपेंटर से है, और उसको काम कौन से सिखाया गया उसको, वो उसका मैसन का, जो दीवार चलाना, चनाई कराना, बुनाई कराना, मेरे पे वीडियो पड़ी उसकी, जो कैसा काम लेते हैं अप्रेंटिस वाले, मुझे पता है इस बारे में। तो कितने कर काम कर रहे हैं यहाँ पे 7700 रुपये में, सरकार को तो घाटा ही दे रहा है, काम तो कहीं से चल रहा है, परमानेंट भर्ती करके 24000 लेगा, इसे भत्ता भी देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रूम दे दिया। अब 7700 रुपये में भी क्या गाइस, यहाँ पे इनके 1500 रुपये दिए गए, इनके 1 के 3 महीने के 1500 रुपये, जिसने मेरे को मैसेज किया, कितने के 3 महीने के 1500 रुपये, 1 2 और 3, कितने हो गए टोटल 4500 रुपये, यानी कि 4500 रुपये उस बच्चे के नहीं दिए गए सरकार ने, दो अप्रेंटिस के उनके अप्रेंटिस किया गया, यानी कितनी सैलरी है उनके पास 6200, इतनी सैलरी उनके पास 6200 आई है। अब सरकार 1500 रुपये पता नहीं ये जो रूम दे रही है उनको उसके काट रही है, जो रूम भी दे रही है, बिजली भी फ्री दे रही है, क्या तो उसके पैसे काट रही है, या फिर वो सरकार दान है। मैं को कहने का मतलब यही है कि उसके जो बैच था वो था 2021-22 का बैच था, 2021-22 का बैच था, कितने बच्चे थे टोटल 726, ये एक कोटा मंडल, कोटा डिवीजन है राजस्थान में, ये कोटा मंडल की बात कर रही है, इतने बच्चे थे। अब इतने बच्चे के आप 1500 रुपये भी लगा लो आप, तो 2 महीने के लगा लो, कितने हो गए हमारे पास 3000 हो गए, ठीक है ना, यानी कि 3000 हो गए। अब आप 726 को कितने हैं, 726 को गुणा कर दो 3000 से, 726 को गुणा करोगे 3000 से कितने बैठेंगे,
ये बैठेगा फिर 21 लाख, कितने 21,78,000। ये एक 726 बच्चों का ब्यौरा है कोटा मंडल का। इसके अलावा भी और है, चेन्नई है, मुंबई है, कलकत्ता है, इनके अंदर है, मुगलसराय है। तो भर्ती तो हर जगह हो रहा है, अप्रेंटिस के बच्चे हर जगह ले दे रहे हैं, पर ये कोटा मंडल से कितने पैसे बच रहे हैं? 21 लाख बच्चे, 21 लाख पैसे बच रहे हैं सरकार के पास, जो अब तक से दिए नहीं गए, वो भी 2 महीने के, कईयों के 4-4 महीने के पैसे रुके हैं अप्रेंटिस वालों के लिए। तो मैं अप्रेंटिस वाले भाई के भाइयों से ये साथ देता हूँ कि आप सभी एकजुट होए, अपनी भर्ती का मांग करें और जितना हो सके उतना धरना प्रदर्शन करें, आप यही कह सकते हैं। क्योंकि सरकार आपको तभी वोट, तभी आपको उम्मीदें भरेगी आपकी जब इलेक्शन आने लगे। देखो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, आपको पता है 5 रुपये पापड़ में भी हवा भी फ्री में नहीं मिलती है, वहाँ पर भी 2 रुपये की गैस भरी होती है उसके अंदर। तो वही है, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, अपने काम के लिए बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप लगे हो तो लगे हो, इसीलिए आपको निकलना पड़ेगा, कुछ आगे अपनी बात उम्मीदें रखनी पड़ेगी आपको, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे अप्रेंटिस वाले छात्र से 7700 रुपये में काम लिया जाएगा महीने का, और आप जाके और आएंगे। अब कोटा मंडल में ये बच्चे चले गए 726, अब और बच्चे आ गए वहाँ पे, कितने आ गए वहाँ पे 2200 बच्चे और आ गए वहाँ पे कोटा मंडल में। इस साल में 18 बच्चे हैं एक में, जब भरतपुर में 18 बच्चे हैं, 11पुर में सवाई माधोपुर है, ऐसे करते करते 9 में गंगापुर सिटी में, ऐसे ऐसे पूरा कोटा मंडल में 2100 बच्चे भरे गए हैं 2200 बच्चे से। तो गाइस मेरे वीडियो समझाने का ये मतलब है कि अप्रेंटिस वाले से काम ले जा रहे 7700 रुपये में, उनके बदले में कोई पैसा पूसा नहीं दे रहे, कोई भत्ता नहीं, खाली 7700 रुपये है। कोई परमानेंट भर्ती करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 23,000-24,000 रुपये। तो सरकार एक तरह से अंधेरे में रख रही है अपेंट